हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको दही भल्ले की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भल्ले बने हैं, और यही मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ। इसमें एक सीक्रेट है, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। मैं आपको इसे एक भल्ला तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए बीच में से बिल्कुल स्पॉन्जी और टेस्टी बने हैं। आज मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये कैसे इतने सॉफ्ट बनते हैं, यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने ली है एक कटोरी धुली उड़द की दाल। इसको हम धोकर भिगोकर रख देंगे। इसको आप 4-5 घंटे भिगोकर भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के रखा है। ये मैंने रात में भिगो दी थी। अब हम इसका पानी निकाल देंगे, इसको छान लेंगे, पानी निकाल के अलग कर देंगे, और दाल को अलग करके इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे जार में, और इसको हम एक जाली में छान लेंगे और इसका सारा पानी अलग कर देंगे और दाल को अलग कर लेंगे। और इसको अब हम मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और ये हमने दाल को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, देखिए अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। अब हम ये सारी दाल को, जो हमारा फाइन पेस्ट बना है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, और इसमें अब मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से फेंटना है, एयर भरनी है हमने इसमें। जितनी हम इसमें एयर भरेंगे उतने ही हमारे भल्ले सॉफ्ट बनेंगे। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी हमने क्या मिक्स करना है, जिससे हमारे दही भल्ले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। इसमें साथ में ही मैं डालूंगी 2 चम्मच सूजी के। सूजी से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारे भल्ले बनते हैं। और अगर बाय चांस आपका जो हमने बैटर तैयार किया है, अगर बाय चांस ये ढीला हो जाए या ज़्यादा पतला हो जाए, तो उसमें भी हमारी सूजी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारे घोल को अच्छा बना देती है सख्त। इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लूज़ हमने नहीं बनाना है। फिर हमारे जो दही भल्ले हैं वो तेल काफ़ी चूस लेते हैं, और सख्त भी नहीं बनाएंगे, और सख्त बनाने से करड़े बन जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं। तो अब हमने इसको 8 से 10 मिनट तक ऐसे इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि इसमें अच्छे से एयर भर जाए। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है। ये डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा ये पतला होना चाहिए। और साथ में इसको हम बनाने के लिए लेंगे कटोरी में पानी, इससे हमारा जो डो है वो हाथ में नहीं चिपकता। और अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसको हमने मीडियम गर्म करना है। देखिए मैंने इसमें डालकर देखा थोड़ा बैटर, तो हमारा एक ऐसा ही हमारा तेल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम डालेंगे तो हमारे जो भल्ले हैं वो एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि पानी में ऐसे हाथ लगाकर, और साथ में हम अपना बैटर लेकर फिर उसको तेल में छोड़ेंगे। आंच हम मीडियम सिम रखेंगे। पानी का हाथ लगाकर फिर उठाकर बैटर को इसमें डालेंगे। जितने हमारे भल्ले इजीली आ जाएंगे उतने हम डालेंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बड़ा छोटा, मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। जो भल्ले हमारे ब्राउन हो रहे हैं थोड़े, वो ऊपर आते जा रहे हैं, देखिए। और जितने हमारे इजीली आ जाएंगे कढ़ाई में उतने ही हम भल्ले डालेंगे इसमें। और अब हम इनको
ब्राउन होने तक ऐसे ही पकाएंगे। अब हम इनको थोड़ा पलटा देते हैं ताकि चारों तरफ से अच्छे ब्राउन हो जाएं। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं ये। और ये हमारे भल्ले, अब हम इनको नैपकिन पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। ब्राउन हो गए हैं देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखिए, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और ऐसे ही हम सभी भल्ले बना लेंगे पानी का हाथ लगाकर। तब तक आपने इसको छेड़ना नहीं है, जैसे ही हमने पहले डाले थे तो इनको आप छेड़ सकते हो, नहीं तो दूसरे जो हैं हमारे टूट जाएंगे, अपने आप ही फूल कर ऊपर आ जाते हैं। फिर हम इनको पलटा देंगे और इनको भी हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे, फ्राई करेंगे और फिर बाद में इनको निकाल देंगे। और ये हमारा दूसरा लोटी बनकर तैयार है, इसको भी हम नैपकिन पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम सभी भल्ले तैयार कर लेंगे। देखिए और ऐसे ही हम बाकी के भल्ले भी तैयार कर लेंगे। और ये सभी भल्ले हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और अब हम इनको ठंडा होने के बाद पानी में डिप करके रखेंगे 10 मिनट के लिए, थोड़े ठंडे हो जाएं फिर हम इसको पानी में डिप करेंगे। एक कटोरी दाल में हमारे ये 45 से 50 भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। और अब ये हमारे भल्ले ठंडे भी हो चुके हैं, अब हम इनको डालेंगे पानी में। ये मैंने एक बाउल में नॉर्मल पानी लिया है, इसमें हम अपने भल्ले डाल देंगे। अपने भल्ले ठंडे होने के बाद ही पानी में डालने हैं। पानी में डालने से एक तो इनमें जो फालतू ऑयल होता है वो निकल जाता है, और दूसरा हमारे भल्ले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं पानी में जाने के बाद। अब हम इनको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे पानी में डिप होने के बाद। सभी भल्ले हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। जब तक हमारे भल्ले डिप होते हैं तब तक हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लिया है 1/2 kg दही, इसमें मैं डालूँगी चीनी 1/2 कटोरी, आप इसमें चीनी डाल लें। और इसके बाद हम इसको मैश कर देंगे, दही हमारा अच्छे से मैश होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ, इसमें कोई भी गांठ वगैरह लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, दही हमारा एकदम स्मूथ होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मुलायम बनाएंगे दही को। हमने दही में पानी नहीं डालना है क्योंकि चीनी अपना खुद का पानी छोड़ देती है और दही हमारा ऐसे ही पतला हो जाता है। ये देखिए दही हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसको भी साइड में रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने भल्लों को चेक करते हैं। और ये देखिए भल्लों ने बिल्कुल पानी अपने अंदर चूस लिया है। और मैं आपको एक भल्ला तोड़ कर दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी। ये देखिए जितना हम नीचे करते हैं उतना ही फिर ये ऊपर आ जाता है। और ये हमारे भल्ले बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। प्लेटिंग के लिए हम एक प्लेट लेंगे और इसमें हम डालेंगे भल्ले। भल्लों को आपने थोड़ा सा निचोड़ कर ऐसे पानी निकाल के इसमें रखेंगे हम। और ये सॉफ्ट इतने बने हैं कि आप मार्केट के भल्ले खाना भूल जाओगे, और बनाना भी इनको बिल्कुल ही आसान है। और घर में बनी हुई चीज़ तो साफ़ सुथरी तो होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही, जो दही हमने तैयार करके रखा था। एक और भल्ला डाल लेते हैं हम इसमें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही। देखिए दही हमारा अपने आप ही पतला हो गया है, चीनी के कारण हमारा दही पतला हो जाता है, तो दही हमारा मीठा होना चाहिए।
और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपने मसाले। मसालों में पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने जीरा लिया है भुना हुआ, इसको मैंने तवे के ऊपर भूनकर पीस लिया है। ये मैंने धनिया की चटनी ली है और ये मैंने ली है इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है। इसकी रेसिपी आप मेरी उस पर जाकर, चैनल पे जाकर देख सकते हो। और ये मैंने चाट मसाला लिया, ये मैंने घर में बनाया हुआ, इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हो। और ये मैंने लिया है अनार और लिया है नमक मिर्च इसके ऊपर डालने के लिए। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना नमक। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला और इसके ऊपर डालेंगे हम अपनी इमली की खट्टी मीठी चटनी। और ऊपर डालेंगे थोड़ा सा दही और इस पे हम थोड़ा सा नमक मिर्च और सभी मसाले एक बार और डालेंगे ताकि हमारी नीचे वाली परत जो है वो भी चटपटी रहे और ऊपर वाली भी चटपटी रहे। सभी मसाले हम एक बार डाल देंगे और डालेंगे इसके ऊपर हरी चटनी। ये चटनी मैंने धनिया की बनाई है, धनिया अदरक हरी मिर्च डालकर और एक प्याज डाला है। और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़े से अनार के दाने, थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी। और ये हमारी दही भल्ले चाट की प्लेट बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाऊंगी, ये कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं हमारे भल्ले और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।